श्री एकेडमी के प्रांगण में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, इनमें किन किन मुख्य बातों पर अमल किया गया? यहाँ जो लोग भी आए, खास करके इस एरिया में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लोगों का प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, सभी लोगों का समझ जाता है, उनको गाइड किया। खास करके ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है मित्रों, और इसके मरीज इन्हीं लोगों के पास पहले आते हैं, तो इन लोगों को क्या करना है फर्स्ट स्टेज में, कब किसको भेजना है, कब किसको इलाज करना है, किस इमरजेंसी सिचुएशन में इनको डील करना है, इस बारे में इनको जानकारी दी। मैं समझता हूँ इससे काफी लाभ मिलेगा। क्या लगता है ग्रामीण जो चिकित्सक हैं और ये जो आज प्रशिक्षण हुआ, इसे जो गांव देहात के जो मरीज बाहर जाते हैं उनको क्या बेनिफिट होगी इस प्रशिक्षण से? मरीज जो शुरू के खास करके मरीज है, दर्द हो गया या हल्का फुल्का जो मैंने इमरजेंसी सिचुएशन बताया, पेशाब रुक गया, ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन में वो रात में या वैसी स्थिति में अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो यहाँ उस लेवल का ये इलाज कर पाएंगे, इसका फायदा जरूर मिलेगा। और किस हद तक इलाज करना है वो भी हमने बताया, ताकि उसको नुकसान नहीं हो। तो जरूर इस एरिया में जो जहाँ है, जितने भी लोग आए हैं, अच्छा खासा एरिया कवर करेंगे, तो जिस एरिया में है उस एरिया के मरीज को इसका लाभ मिलेगा और मरीज को भी लाभ मिलेगा। आपका भी सर हॉस्पिटल है संजीवनी, उसमें क्या क्या लाभ मिलता है जो यहाँ से जाते हैं, गरीब तबके के लोग जाते हैं उनके लिए क्या है? मैंने बोल के रखा हुआ है खास करके रिसेप्शन और नीचे गार्ड से कि अगर हमारे एरिया से, खास करके उनको मालूम है कहाँ कहाँ कवर कौन सा एरिया है, तो उनका केयर ही अलग रहता है। अगर हमारा कंसल्टेशन 500 है तो उनको पता है कि इनसे कितना लेना है, या अगर उनको रुकने की जरूरत है तो एडमिट नहीं करना है, वार्ड में चले जाते हैं, रात में रुक गए, जांच कराने में लेट हो रहा है, या उनका सब कुछ का जांच से ऑपरेशन रहना इलाज सब कुछ बहुत कुछ अलग हो जाता है। वो जाते हैं, वो काफ़ी हैप्पीली आते हैं, उनको घर की तरह माहौल मिलता है और मुझे भी खुशी मिलती है। जो लोग यहाँ से जाते हैं और कोई अगर यहाँ से आता है दोबारा तो वो लेकर आता है कि चलिए कहीं और नहीं वहीं कराना, तो ये सुविधा तो है और ये रहेगा। यहाँ भी जो हमारा क्लिनिक चल रहा है, जो लोगों को हम देखते हैं, इस क्लिनिक पे भी हमारा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हम 50 रुपया लेते हैं जस्ट ऐसे कि ताकि हमारा जो पेपर वर्क है, स्टाफ है, उसका ये हो जाए। और लोग दूर दूर से आ रहे हैं, सिवान गोपालगंज से भी आते हैं, देखकर मैक्सिमम 80% लोगों का इलाज तो यही हो जाता है। जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है उनको हम पटना बुलाते हैं और उनको यही बता देते हैं कि आपको इतने में ही वहाँ हो जाएगा, आप इतना लेके आएंगे, इसी में दवा